वहाँ मार्ग पलटी होते हुए आए। जमशेदपुर के कोर्ट रोड स्थित पंप हाउस के ठीक सामने साक्षी जाने की तरफ इस रास्ते में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है और यह हादसा माना जा रहा है कि जो कार में सवार थे, दो लोग सवार थे, जैसा कि एएसआई से बात हुई और उनका कहना था कि गाड़ी अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद आप स्थिति देख सकते हैं गाड़ी की और आगे और गाड़ी के ऊपर के हिस्से की तस्वीर आप देखिए, कितना ज़ोरदार ये टक्कर हुआ होगा और गाड़ी को सीधा किया गया है। कहा जा रहा है कि गाड़ी पूरी तरीके से पलटी हो गई थी और ऊपर का हिस्सा नीचे रोड पर था, सड़क पर था, और ये इतना भीषण सड़क हादसा रहा, जिसमें गनीमत ये रही कि दो लोग इसमें सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति घायल है और एक व्यक्ति को चोट ज़्यादा नहीं आई है, थोड़ी बहुत चोट आई है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसको दोनों लोगों को TMH अस्पताल भेजा गया है। साथ ही साथ यहाँ से जो लोग गुजरने वाले थे, उन लोगों के द्वारा साक्षी थाने को सूचना दी जाती है और मौके पर साक्षी थाने की पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और आनन-फानन में दोनों लोगों को अस्पताल पहुँचा दिया जाता है। आप स्थिति देख कर अंदाज़ा, एक ही थे गाड़ी में सवार, गंभीर रूप से घायल हो। तो देखिए, दो तीन तरह की बातें सामने आ रही है, फिलहाल जांच के बाद ही मालूम चलेगा। अभी जैसा कि मालूम चल पा रहा है कि एक व्यक्ति ही इस कार में सवार था और गाड़ी उसके द्वारा चलाया जा रहा था, ड्राइव किया जा रहा था और अनियंत्रित होने के बाद गाड़ी डिवाइडर से टकराती है और गाड़ी पलटी हो जाती है और गाड़ी का ऊपरी हिस्सा जो देख रहे हैं आप, छत देख रहे हैं गाड़ी का, ये सड़क पर, ये रोड पर होता है और नीचे का पूरा बोनट जो होता है वो ऊपर के हिस्से की तरफ होता है। अभी इसको सीधा किया गया है शायद, तो आप ऊपर के हिस्से को देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक एयरबैग था वो खुला है और जिसकी वजह से स्थिति थोड़ी बहुत ठीक उसकी मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि उसे TMH अस्पताल भेजा गया और TMH अस्पताल में भेजने कर उसका इलाज फिलहाल चल रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये लड़का जो गाड़ी में सवार था, जो ड्राइव कर रहा था, जिसके साथ ये हादसा हुआ है, वो ओल्ड पुरुलिया रोड का बताया जा रही है। जी हाँ, ये भी एक बड़ी जानकारी है कि मानगो का ही ये युवक है जिसे TMH अस्पताल भेजा गया है, जहाँ उसका इलाज हो रहा है और ओल्ड पुरुलिया रोड का रहने वाला है। प्रथम दृष्टि में यही मालूम चल रहा है कि गाड़ी रफ्तार में थी, तेज़ रफ्तार थी, यही मालूम चल रहा है और अनियंत्रित हो जाती है, कंट्रोल नहीं कर पाता है ड्राइवर, और जिसके बाद डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी की स्थिति आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये सड़क हादसा रहा होगा। लेकिन गनीमत यही रही है कि कोई भी बड़ी दुर्घटना और बड़ा हताहत नहीं हुआ है इसमें और जो युवक घायल हुआ है उसे अस्पताल भेजा गया है। अगर आप स्थिति आगे की देखेंगे या फिर गाड़ी के दोनों हिस्सों की जानिब देखेंगे तो दोनों हिस्से पूरी तरीके से बेंड हो चुके हैं और टायर की स्थिति अगर आप देख पाएंगे तो टायर की स्थिति भी काफ़ी ख़राब है और इस चीज़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीषण यह सड़क हादसा रहा होगा। और ऊपर के तो पर खच्चे ही उड़ गए हैं, तो एयर बैग एक खुला था, जिसके बाद उस व्यक्ति की जान बच सकी है और घायल हुआ है व्यक्ति और उसे अस्पताल भेजा गया है। तो ये मैं तस्वीर आपको साक्षी जाने वाले जो रास्ते हैं उस रास्ते पर खड़े होकर पंप हाउस के ठीक सामने की तरफ आपको दिखा रहा हूँ और उस पंप हाउस के सामने, ठीक सामने यहाँ पर ये दुर्घटना घटी है, जहाँ पर गाड़ी के शीशे भी यहाँ पर कुछ पड़े हुए अगर आप देखेंगे तो। यहाँ पुलिस है, साक्षी थाना है, साक्षी थाना के लोग हैं और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो गाड़ी के शीशे यहाँ पर टूटे हुए पड़े हुए हैं और फौरन साक्षी थाने की पुलिस यहाँ पर पहुँचती है PCR के साथ और टूटे हुए शीशे आपको यहाँ सड़क पर नज़र आएंगे। साथ ही अगर मैं इधर भी आपको दिखाऊं, ये पूरी सड़क पर शीशे टूटे हुए हैं, बिखरे हुए, मतलब एक आप समझ सकते हैं कि दूर से ये हादसा हुआ है और
गाड़ी रगड़ाते हुए सड़क पर आगे की तरफ जाकर ठुकी है और ठुकने के बाद फिर वो पलटी हुई है। तो कितना भीषण ये हादसा रहा होगा आप सोच सकते हैं। ये गाड़ी के शीशे यहाँ पर भी पड़े हुए हैं, साथ ही कुछ शीशे गाड़ी के आगे भी पड़े हुए हैं। सड़क पर भी आपको शीशे नज़र आएंगे, जो आगे के हिस्से के शीशे हैं और गाड़ी के कुछ हिस्सों के शीशे हैं वहाँ सड़क पर पड़े हुए। तो एक गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद आगे की तरफ जाती है और इस तरफ आकर ठोकर लगती है, और स्थिति आप देख सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। तो ये एक ज़ोरदार टक्कर थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा और सड़क से गुजरने वाले लोगों के द्वारा इस बात की सूचना सांची थाने को दी जाती है, और सांची थाने से पुलिस यहां पर पहुंचती है। फिलहाल उस युवक को अस्पताल भेजा गया है, जहां TMH अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। ओल्ड पुरला रोड का युवक बताया जा रहा है। इस वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा, हम आपसे मिलेंगे इस खबर से जुड़ी अगर कोई अपडेट आती है हमारे पास, तो हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।